अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले इन लोगों की मैंने मटकियाँ लगाई थी और बॉक्सेस लगाए थे और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि आपने लव बर्ड्स के मटकी और बॉक्स कब और कैसे लगाने हैं और बर्ड्स की क्या क्या कंडीशन देखते हुए लगाना है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो वो अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले जाके देख ले, और इस वीडियो में भी इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक हमारा चैनल MNA एवरी ऑफिशियल किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोग्रेस दिखाने से पहले सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप मैं ये देता चलूँ कि आपने इनको बॉक्सेस या मटकियाँ प्रोवाइड करने से पहले सबसे पहले इनका जेंडर कन्फर्म करना है DNA के साथ, या आपको खुद आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आप मेल फीमेल इनका कंफर्म करके लगाएं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल का बहुत इशू आता है। और उसके बाद इनकी एज पूरी होनी चाहिए। बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दी एज में लगा देते हैं। अभी भी मेरे पास काफ़ी शिकायतें आई हैं, काफ़ी दोस्तों ने बोला कि बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे या बर्ड्स ने ब्रीड कर दिए तो अंडे ख़राब हो गए या बच्चे मर गए। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही होता है कि आपने कम एज में लगा दिया और मौसम को आपने देखते हुए लगाना है। अभी जैसे मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है पूरे पाकिस्तान में, तो ये इनका ब्रीडिंग सीज़न का बहुत अच्छा टाइम है। कुछ लोगों ने जल्दबाजी करके जुलाई अगस्त में ही लगा दी थी, और जैसे आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो गया तो जुलाई अगस्त में अब मौसम इतना अच्छा नहीं होता और गर्मी हो रही होती है तो और बारिशें भी हो रही होती हैं, तो उस वजह से जिन लोगों ने मटकियाँ लगा दी थी तो बर्ड्स ने ब्रीड कर दी। जब बर्ड्स ने ब्रीड कर दी तो उस मौसम की ख़राबी की वजह से काफ़ी लोगों के पास अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल हो गए या डेड इनसेल हो गए, और किसकी पास चिक्स हुए तो चिक्स एक्सपायर भी हो गए और चिक्स की रेशो भी कम आई है। तो इसी वजह से फर्स्ट क्लच में लोगों के पास प्रॉब्लम आती है कि वो जल्दबाजी में मटकियाँ लगा देते हैं। आपने जल्दबाजी में नहीं लगानी, आपने मौसम को देखते हुए और बर्ड्स की कंडीशन, बर्ड्स का ब्रीडिंग मूड और बर्ड्स की एज देखते हुए अपने इनको बॉक्सेस या मटकियाँ प्रोवाइड करनी है। बाकी इसके ऊपर सारी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी, तो वो वीडियो जाके देख लें, उसमें आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है सब। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, पेयर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले जो पोर्शंस हैं वो मेरे खाली हैं, तो केज नंबर 1 खाली है। केज नंबर 2 पे ये मेरा अल्बाइनो रेड आइस का पेयर है। अब माशाल्लाह से बर्ड्स की क्वालिटी चेक करें, बर्ड्स का साइज़ चेक करें। ये अल्बाइनो रेड आइस का मेल है और स्प्लिट इनो की फीमेल है अल्बाइनो ब्लैक आइस में। ये जो है ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्किंग होती है। तो चलें इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ आप लोगों। केजेस के बैक साइड पे आ गया हूँ क्योंकि सारे मटके और बॉक्सेस इनके बैक साइड पे लगे हुए हैं, तो यहाँ से इजी रहेगा। यहीं से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सब पेयर्स की प्रोग्रेस। तो चलें सब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा अल्बाइनो रेड आइस का पेयर था, तो इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह कोई भी बॉक्स या मटके चेक कर रहे हो तो थोड़ा सा खटका लें ताकि अंदर अगर जो भी बर्ड हो वो होशियार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से 3 एग्स इसके आए हुए और एग्स भी फर्टाइल लग रहे हैं। ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि एग्स की फर्टिलिटी कैसे चेक करते हैं। पेयर नंबर 3 पे जो है वो हमारा पार्ट ब्लू फिशरी का पेयर लगा हुआ है। वॉलेट फिशरी का मेल है और पार्ट ब्लू फिशरी की फीमेल है। अब बर्ड्स की क्वालिटी, बर्ड्स की मास्किंग चेक करें माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा। पार्ट ब्लू फिशरी के पेयर की भी लेंग आई हुई है माशाल्लाह से, तो इसके ऊपर मैंने लेबलिंग करी हुई है। लेबलिंग भी आप लोग देख लें किस तरह से मैंने की हुई है। ये इनका फर्स्ट क्लच है इस सीज़न का, मतलब फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ब्रीड करी है इस सीज़न, तो ये मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। उसके बाद ये लेइंग डेट आ गई और ये टोटल नंबर ऑफ एग्स आ गए। अब ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर हैचिंग डेट आएगी, इंशाल्लाह हैचिंग भी होने वाली है। ऐसा मैं प्रोग्रेस देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये माशाल्लाह से पार्ट ब्लू फिशरी की फीमेल अंदर बैठी है और इसके भी 4 अंडे आए हुए हैं और चारों फर्टाइल हैं। और ये फीमेल बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्सा करने वाली फीमेल है, इतने आसानी से अपने अंडे नहीं छोड़ती है ना बच्चे छोड़ती है। और इस तरह की अगर किसी भाई के पास फीमेल हो तो समझे बहुत केयरिंग फीमेल्स होती हैं,
अपने अंडे भी बहुत अच्छे इनक्यूबेट करती हैं और बच्चों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी से करवाती हैं। इसको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो फोर्थ पे जो है वो मेरा कॉमन रोज़ी कोली का पेयर है, चेरी कलर में, और बहुत खूबसूरत कलर है माशाल्लाह। इसकी भी प्रोग्रेस दिखाता हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह से इनकी भी लेंगे आई हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए फीमेल बाहर चली गई है और बर्ड्स ने देखिए नेस्टिंग कितनी अच्छी करी है। आप जब तक लव बर्ड्स को अच्छी नेस्टिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे या आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे, तो इनको नेस्टिंग देना बहुत ज़रूरी है। लव बर्ड्स नेस्टिंग का परिंदा है। फिफ्थ पे भी हमारा रोज़ी कोली चेरी कलर में पेयर है और देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर्स में होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सेवन्थ मेरा क्रीमिनो वर्किंग का पेयर लगा हुआ है, पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो का। अब माशाल्लाह पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो को भी देखें, प्योर फिशरी मास्किंग में, वरना स्प्लिटिनो जो होते हैं वो मास्किंग ख़राब कर देते हैं। और इनकी अभी फ़िलहाल लेंग आई भी नहीं, न्यू पेयर है, लेकिन फीमेल लोड है इंशाल्लाह लेंग करने वाली है ये भी। उसके अलावा ये मेरा ऑफलाइन वर्किंग का पेयर लगा हुआ है, एक ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और ब्लू यूविंग की फीमेल है। माशाल्लाह से अब इसमें भी बर्ड्स की क्वालिटी, बर्ड्स का साइज़ चेक करें, ये भी न्यू पेयर है, इसकी भी अभी लेंग नहीं आई हुई, इंशाल्लाह ये भी लेंग कर देगा। तो नाइन्थ पे मेरा फॉस्टर पेयर की तरह है, अल्बाइनो ब्लैक आइज का मेल है और वॉलेट पर्सनाटा की फीमेल है। इनकी प्रोग्रेस सही है, इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ आप लोगों को। इनकी भी लेंग अभी स्टार्ट हुई है, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये फीमेल बाहर चली गई और दो अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह से, और इनको भी देखें नेस्टिंग बहुत अच्छी करी है। टेन पे भी मेरा रोज़ी कोली का पेयर है, कॉमन लुटिनो का, ये भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत कलर में होता है। और इनकी भी एज पूरी नहीं थी, अब एज पूरी हो गई है, तो इंशाल्लाह इनके भी अभी मटकियाँ लगाने वाला हूँ मैं। ट्वेल्थ में मेरा एक और पेयर है, इसकी भी लेंग आई है, लेकिन मैं आपको ये पेयर नहीं दिखा रहा फ़िलहाल। वैसे तो इंशाल्लाह सारी आपको अपने टिप्स बता देता हूँ मैं, लेकिन ये पेयर जो है बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की सी स्टोरी है और बहुत यूनिक पेयर निकला है। क्या चीज़ निकली है, क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट पूरी वीडियो बनाऊंगा, पूरी वीडियो इस पेयर के ऊपर होगी, तो वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं इसकी क्या कहानी है और क्या चीज़ निकला, लेकिन बहुत हट की चीज़ निकली है ये। अच्छा, उसके बाद ये मेरा एक और ऑफलाइन वर्किंग का पेयर है, ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू एंड ब्लू टू का मेल है और उसके साथ ब्लू सिंगल फैक्टर मिस्टी की फीमेल है। तो ये भी मेरा वर्किंग पेयर है और इनकी बॉन्डिंग हो गई है, देखते हैं इनकी लेंग कब तक आती है। नेस्टिंग तो इन्होंने कर ली है, लेकिन नेस्टिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन अभी फ़िलहाल लेंग नहीं आई, तो इंशाल्लाह लेंग भी बहुत जल्द कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये एक और रोज़ी कोली का पेयर आ जाता है, मेरा फेवरेट चेरी कलर में, ये पूरा पेयर अंदर जा चुका है, इसका पेयर भी दिखाता हूँ आप लोग। माशाल्लाह से इसकी भी लेंग आई हुई है, चार अंडे हैं, चारों फर्टाइल हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और पेयर भी चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत कलर में। अच्छा, 15 पे मेरा एक और रोज़ी कोली का पेयर है, कॉमन ग्रीन का मेल है और लुटिनो की फीमेल है, इसकी भी लेंग आने वाली है। नहीं, फ़िलहाल अभी लेंग नहीं आई, लेकिन पेयर बॉन्ड है, इंशाल्लाह बहुत जल्द लेंग कर देगा। पेयर देखे माशाल्लाह से, ये भी फॉस्टरिंग के लिए लगाया मैंने।
ओके दोस्तों, तो आपको मैंने प्रोग्रेस दिखा दी है, कुछ छोटी सी प्रोग्रेस थी, कुछ पेयर्स की लेंग आई हुए और एक दो पेयर्स ऑलमोस्ट लेंग पर हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द लेंग कर देंगे, और कुछ न्यू पेयर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी, मुस्तफ़ा भाई अपनी प्रोग्रेस दिखा दें, तो मैंने प्रोग्रेस दिखा दी है और अपने पेयर्स भी सारे दिखा दिए, कौन कौन सी वर्किंग के पेयर लगे हैं, तो भाई लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपको प्रोग्रेस कैसी लगी, माशाल्लाह भी ज़रूर बोलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल MNA एवरी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।